राधिका को फीवर हुआ है ना भैया, देख सकते हैं कैसे एकदम खेल नहीं रही। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह के हो रहे हैं 9:10 हो रहे हैं, और सुबह से ही मैं उठी हूँ 5 बजे के करीब। 5 बजे ही मैं उठ गई थी, बट व्लॉगिंग मैंने थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारा काम मैंने सुबह मॉर्निंग में ही कर लिया। जैसे आज ना गेहूं धुलना था, आटा ख़त्म था, तो आज शाम तक हो जाएगा, तो मैंने सोचा कि आज सुबह में ही गेहूं धुल के डाल दूं, क्योंकि मौसम भी कभी लगता है कि बारिश होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स गर्मी है, इतना ज़्यादा गर्मी है, आस बनी हुई है कि हाँ कभी भी जो है बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश का मतलब कहीं से आता पता नहीं है। इतनी चिपचिपी, इतना उमस है, बारिश हो ही नहीं रही है पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा चलो देखते हैं मौसम कैसा है, तो खुला मौसम था, बादल वगैरह नहीं था, तो मैंने कहा चलो गेहूं धुल लिया जाए, क्योंकि पता नहीं बाद में शायद बारिश हो, और हफ्ता दो हफ्ता बारिश लगा रहे तो फिर आटा भी ख़त्म हो रहा है। तो हमारे पतिदेव को रोटी पसंद है, चावल तो पसंद है नहीं, तो फिर आटा ख़त्म हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो आज गेहूँ जो है धुल के डाल देती हूँ और शाम तक सूख जाएगा, क्योंकि 6:30 के अंदर मैंने गेहूँ धुल कर और डाल दिया है, और अभी 9 बज रहा है, तो वो 2.5 घंटे हो गए हैं गेहूँ डाले हुए, तो वो 4-5 बजे तक तो सूख ही जाना चाहिए अगर अच्छा खासा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप भी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से 4-5 बजे तक आराम से गेहूं सूख जाएगा, और शाम को पिसवाने के लिए हम दे देंगे गेहूं साफ करके, बिल्कुल बिन कर। तो मैंने सुबह काफ़ी काम किया, किचन भी साफ कर लिया, बर्तन भी धुल लिया, और इतना ज़्यादा गर्मी है कि अभी अब काफ़ी देर से उठी हूँ तो ऐसे लग रहा कुछ खा लूँ, नाश्ता बना लूँ अपने लिए, क्योंकि हमारे पतिदेव भी 5 बजे निकल गए, कुछ काम था उन्हें तो वो चले गए, तो अभी मैं जा रही हूँ अपने लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना लेने, और भूख लग रही है काफ़ी देर से, मैं काम में बिजी हूँ, अभी भी मेरा काम कुछ ज़्यादा सिमटा नहीं है, अभी भी काम मुझे नज़र आ रहा है, कपड़े धुलने हैं, और अभी तो फिर नहाना भी है, खाना भी बनाना है, और बहुत सारे काम। अभी मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा मुझे काम दिख रहा है करने को, और सोच रही हूँ कि कैसे कैसे करना है, और सुबह जब गेहूं धुल के आई तो बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो, क्योंकि इतना ज़्यादा, मैं फ्रेंड्स बताऊं कि गेहूं इतना ज़्यादा गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था कि करीब मुझे 1 घंटे तो धुलने में लगे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा था, 10-15 बार पानी उसमें डाल कर तो मैंने साफ़ किया है। तो ये रहता है ना कि थोड़ा सा भी गंदा रहेगा तो आटा जब पिसेगा तो वो मतलब पता नहीं कैसे, मतलब रोटी अच्छी नहीं लगी खाने में, तो इसलिए बहुत मेहनत से मैंने गेहूं धुल डाला, और जा रही हूँ अपने लिए कुछ नाश्ता बना लेने। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर जो भी नया आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर दिए, देख सकते हैं कि मैं किचन में प्रवेश कर ली हूँ, और अभी जा रही हूँ नाश्ता बनाने। तो अभी जो है मैंने आलू काट के रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ आलू को फ्राई कर लूँ, कुछ तीखा खाने का मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ आलू जो है फ्राई करके, आलू कट करके रखा हुआ है, और ढक दिए फ्रेंड्स, और नॉर्मल ही बनाऊंगी। मैंने घी डाल दिया और अब इसमें जीरा डाल देंगे,
फ्रेंड्स, इसको मैंने ढक दिया है और चलिए आपको दिखाते हैं गेहूँ कितना सूख गया है। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है। चलिए देखते हैं, गेहूँ एक बार चला देते हैं। तो गेहूँ को थोड़ा सा चलाएंगे तो ऊपर नीचे अच्छे से सूख जाएगा। मैंने बहुत पतला उसको डाला है जिसे अच्छे से सूख जाए। बहुत धूप है, आराम से सूख जाएगा। ये देख सकते हैं आप, देखिए मैंने गेहूं डाला है चादर में। इसको चला लेते हैं हम। पानी जो है इसका मर ही गया है तो ये आराम से सूख जाएगा। और देख सकते हैं मैंने कितना ज़्यादा इसको पतला क्या इसको बोलेंगे डाला है, कितना पतला डाला है। तो ये आराम से सूख जाएगा, ज़्यादा गेहूँ नहीं है और इतने अच्छे से मैंने इसको जो है डाला है तो मेरे ख्याल से तो आराम से सूख जाएगा। पूरा चला के तब आप लोगों से मिलते हैं, क्योंकि कैमरा पकड़े हैं तो मैं चला नहीं पा रही हूँ। चला लिया, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो जा रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी इस साल पड़ रही है, पिछले साल इतनी गर्मी नहीं थी क्योंकि अभी तक तो काफ़ी अच्छी बारिश हो जाती थी, लेकिन अभी तो तब गर्मी है, बारिश हो ही नहीं रही है। तो अभी हम फिर से किचन में आ गए हैं और उसको चला लेते हैं। बहुत गर्मी है, आलू ढक के गए, यहाँ छोड़ के गए गेहूँ चलाने, और आलू देखिए किस तरीके से, अभी थोड़ी देर और होता तो शायद ये जल जाता। बहुत सही टाइम में नीचे आ गए। इसमें हम नमक डाल देते हैं जितना आपको नमक पसंद है उतना डालिए। बहुत लोग कम खाते हैं नमक, कोई परफेक्ट खाते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा नमक पसंद करते हैं खाना, लेकिन नमक ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम देख सकते हैं टमाटो केचप डालने से कितना अच्छा कलर आ गया है। तो खाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग अलग होता है। मुझे अभी थोड़ा सा चटपटा खाने की इच्छा थी तो मैंने ये बना लिया। चटपटा आलू चाट, चाहे जो आप इसको नाम दे दीजिए। तो ये जो है बनके तैयार हो गया, और आलू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो कुछ ना कुछ आलू के साथ मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और ये बन गया। फ्रेंड्स, मेहनत कामयाब हो गई, मेहनत मेरा सफल हो गया, क्योंकि देखिए ये बन के नाश्ता मेरा तैयार हो गया। और कितना अच्छा महक रहा है, तो इसे मुस्कुराहट तो नहीं जा रहा, मैं इसे तुरंत खा कर आप लोगों से मिलूँगी। आप लोग भी पहले खा लीजिए, आप लोग भी इसको एंजॉय करिए, और आप लोग भी ऐसे बना के ट्राई करिएगा जब आपको भूख लगे और अच्छा खाने का मन करे। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा, आप लोग देखें, और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं लगी, और झटपट ये तैयार भी हो गया, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है। तो आप लोग इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिए और इसको खाइए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये झटपट नाश्ता कैसा लगा। और देख सकते हैं मेरी हालत क्या है गर्मी से। तो चलिए देर ना करते हुए मैं इसे खावा के आप लोगों से मिलती हूँ। और
फ्रेंड्स ये इतना ज़्यादा टेस्टी है, इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप लोग जब इसको खाएंगे तो आप लोग बाहर का खाना भूल जाएंगे और मेरी तारीफ करेंगे। बहुत टेस्टी है। तो आराम से मैं खाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बने रहिए लव में। 2 hours later. तो फ्रेंड्स राधिका की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। राधिका को फीवर हुआ है ना भैया, देख सकते हैं कैसे एकदम खेल नहीं रही है। फीवर थोड़ा सा, शरीर पूरी गर्म है इसकी और फीवर है। पैरासीटामॉल मैंने दे दिया है, देखते हैं अगर फीवर नहीं उतरेगी तो डॉक्टर को दिखा देंगे। राधु हाय बोल दो भैया, हाय बोल दो। नहीं बोलोगी, तबीयत नहीं ठीक है भैया, बता दो राधु, राधु बता दो तबीयत नहीं ठीक है, बता दो। तो चेहरे से देख के लग रहा होगा कि राधिका की तबीयत ख़राब है। भैया दवा पी हुई है, हो सकता है आराम मिल जाए। खेलती रहती है, मौसम इतना चेंज हुआ है फ्रेंड्स कि इतना घटिया है, इतना घटिया, इतना बेकार मौसम है, इतनी गुस्सा लग रही है। बच्चे हैं, खेलते कूदते हैं, अभी कमरे में तो बैठे नहीं रहेंगे कूलर में। बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों का ही है, बीमार हो जाते हैं, बता नहीं पाते कितनी तकलीफ़ है कितना नहीं है। और इनके चक्कर में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना नहाने की इच्छा कर रही है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। ना राधु किसी के पास रह नहीं रही है और ना खेल रही है।